हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ड्रीम इलेवन पे जो भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच खेला जाना है इसके बारे में। तो इस मैच का कंप्लीट आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मैच में कौन कौन सा खिलाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और कौन परफॉर्मेंस करता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप साइड में मोबाइल स्क्रीन देख रहे होंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि आखिर कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, आपका हम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा होगा दिख रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20 मैच खेला जाना है इसके बारे में। ठीक है, तो सभी लोग टीम किसके लिए बनाएंगे? तो ये जो आपका मेगा कॉन्टेस्ट दिख रहा है 11 करोड़ का, उसके लिए। तो चलिए हम उसके लिए कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे टीम में होना चाहिए वो चीज़ हम जान लेते हैं। तो मैच पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्रिएट टीम का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए क्रिएट टीम पे क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट टीम पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ आगे देखिए इंटरफेस इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको चार सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए चार सेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर। ठीक है, लेकिन इन सभी सेक्शनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मैच के कुछ स्टेट्स के बारे में। ठीक है, तो मैच का स्टेट्स आप जान लीजिए। यहाँ पे टोटल 5 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से एक साउथ अफ्रीका ने जीता है, बाकी एक मैच साउथ अफ्रीका जीत के आ रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीत के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ बैट वेन्यू का बात करें तो ये आपका साउथ अफ्रीका में डरबन में खेला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैलेंस पिच होगा जो बैट्समैन बॉलर दोनों को हेल्प करेगा, और थोड़ा सा पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। रिपोर्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज रन का बात करें तो 147 है यहाँ एवरेज। उसके बाद विकेट का बात करें तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 47 विकेट में 14 विकेट स्पिनर को मिला, बाकी 33 विकेट पेसर्स को मिला है। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ देखते हैं आपको कि कौन सा खिलाड़ी इस वेन्यू पर कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो जैसे कि देखिए डोवेन जो है एक मैच खेले हैं, 82 का एवरेज है और 205 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं टीम डेविड, एक मैच खेले हैं, 33 का एवरेज है, 126 का स्ट्राइक रेट है। रिजा हैंड्रिक्स जो है वो आपका 5 मैच खेले हैं, 32 का एवरेज है, 116 का स्ट्राइक रेट है। वहीं एंगड़ी का बात करें तो 5 मैच में 2 का एवरेज है। ठीक है, इकोनॉमी 6 का देख लेते हैं। वहीं सिसेंदा जो है 5 मैच में आपको 1.6 का एवरेज है, इकोनॉमी 6.7 है। वहीं लेजार्ड जो है 5 मैच में 1.4 का एवरेज है और इकोनॉमी 7 का है, इसका 7.3 का है। ठीक है, तो इसको देखते हुए अपने टीम में इनको रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, आपका मर्जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों टीमों का हेड टू हेड का बात करें तो 5 मैचों में 2 मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है और 3 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम लोग टीम क्रिएट कर लेते हैं कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे टीम में होना चाहिए। तो जैसा कि विकेट कीपर सेक्शन में हम आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्यू वेड है और जे ईगल्स है। ठीक है, तो हम मैथ्यू वेड के साथ जाएंगे। बैट्समैन सेक्शन में देख लेते हैं, बैट्समैन सेक्शन में आपको रिजा हैंड्रिक्स है, मार्कराम है और आरवन डसन है। ठीक है, तो आरवन डसन हो गया या टीम डेविड हो गया, इन दोनों में से आप जिसको चाहें ले सकते हैं, आपका मर्जी है। ट्रेविस हेड जो है उनको भी अपने टीम में हम स्थान देंगे।
बाकी आगे बढ़ते हैं, आप इन दोनों को चाहें, डसन और टीम डेविड, इनको आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में देख लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में मिचेल मार्श है, मार्कस स्टोनिक्स है, मार्को जेंसन है और स्कॉट है। ठीक है, तो चार हम लोग अपने टीम में रख रहे हैं। उसके बाद अवार्ड जो है, इनको आप ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हैं, मेगा ग्रैंड लीग, तो इनको अपने टीम में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन को देखते हुए तबरेज शम्सी जो है काफ़ी अच्छा स्पिनर है, एडम जंपा है, लुंगड़ी यंगड़ी है, इनको अपने टीम में रख लिया है। आप चाहें तो इनमें से किसी को भी ड्रॉप करके, जो नील्स है उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो बैंड्रोफ के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि बैंड्रोफ भी अच्छा बॉलर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टीम है, अभी तो फिलहाल डेमो टीम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टॉस अपडेट आए तो ये हमारा कंफर्म प्लेइंग 11 हो, क्योंकि अगर कुछ फेर बदल होता है तो चेंज होगा, अन्यथा देखा जाएगा कि मैच का मोमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सीबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सीबीसी यहाँ पर सभी का रहेगा, मिचेल मार्श हम भी बना देते हैं, बाकी आपका मार्कस स्टोनिस है और आपका मार्क राम है। तो हम चलिए फिलहाल के लिए डेमो टीम है, तो अभी हम मार्क राम है, मार्कस स्टोनिस को हम बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं, तो प्रीव्यू देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पर 6-5 का कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसमें आप देख सकते होंगे ऑस्ट्रेलिया के तरफ से हमने दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन किया है, लेकिन आप चाहें तो एम शॉट, ठीक है, रिजा हैंड्रिक्स या मार्क राम या मार्को जेंसन, इनमें से किसी एक को कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।